कोको हाथी। यहाँ इस जंगल में ऊंचे सदाबहार पेड़ों के बीच, जहाँ बहती नदी की गरजती आवाज हवा में गूंजती है और जहाँ खुशबूदार फूल उगते हैं, वहाँ एक मादा हाथी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। अरे वाह, उस नन्हे हाथी में इतना जोश था जैसे सूरज के अंदर गर्मी। मादा हाथी और उसका बेटा एक बहुत ही संतुष्ट जिंदगी जीते थे। दिन के समय वो खूब खेलते और जब भूख लगती तो वो स्वादिष्ट फल भी खाते, और जब आसमान में चांद निकल आता और टिड्डे शोर करने लगते तो उस खामोश पावन में आराम से सोते। पर जंगल का जीवन हमेशा शांतिमय नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कब और कहां खतरा मंडरा रहा है। एक दोपहर वो नन्ना हाथी अपनी माँ से थोड़ा दूर चला गया था। ये एक शेर था। वो नन्ना हाथी अपनी माँ के पास दौड़ा, जो उसे कब से ढूंढ रही थी। उसने उन शेरों को आते हुए देखा और दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन उन शेरों ने उन दोनों हाथियों को देख लिया और वो उनके पीछे दौड़ने लगे। वो उस घने जंगल में भागने लगे, पर वो उन शेरों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे। जल्द ही वो एक नदी के पास पहुंच गए। कहीं और जाने का रास्ता नहीं था। उन शेरों की दहाड़ सुनकर मादा हाथी को कुछ और नहीं सूझा और वो अपने बेटे के साथ पानी में कूद गई और समय रहते उन शेरों के पंजों से बचने में कामयाब रही। वो कुछ देर तक तैरते रहे, पर अचानक वो नन्ना हाथी पानी के तेज बहाव में फंस गया। उसकी मां हड़बड़ाकर उसकी जान बचाने में लग गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ और वो नन्ना हाथी दूर निकल गया पानी के बहाव के साथ अकेले। कहीं दूर जंगल के किनारे पर एक नौजवान राजा अपने राजमहल का चक्कर लगा रहा था और वो आराम करने के लिए रुक गया। उसका नाम था राजा रूफस। ये अजीब सा दिखने वाला पत्थर आखिर क्या है? ये एक हाथी का बच्चा है। राजा और उसके आदमी वहां गए और उन्होंने देखा कि वो नन्ना हाथी पूरी तरह गीला था और बहुत थका हुआ लग रहा था। बेचारा बच्चा नदी में बहकर यहाँ आ गया होगा। ये कांप रहा है, इसे जल्द से जल्द महल लेकर जाते हैं। और इस तरह थके और डरे हुए कोको को महल में ले जाया गया। राजा एक दयालु इंसान था, इसलिए हर कोई उसका आदर और सम्मान करता था। पर उसने इस बात का ध्यान रखा कि जानवरों की देखभाल भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। पहले तो कोको घबराया हुआ और दुखी था, फिर धीरे धीरे उसे अपनापन महसूस हुआ और वो जल्दी से ठीक होने लगा। एक दिन राजा का मुख्य सेनापति राजा के पास आया। महाराज, मैंने ध्यान दिया है कि वो नन्हा हाथी बहुत ही मजबूत और जोशीला है, उसे युद्ध के हाथियों के साथ प्रशिक्षित करना चाहिए। ओह, मैं समझ गया। तो फिर ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो। और हाँ हाँ महाराज, इस नन्हे हाथी का कुछ नाम रखो, कोको। बिल्कुल महाराज। कोको का प्रशिक्षण शुरू हो गया था। उसने बहुत मेहनत की और उसका ख्याल रखा गया। जैसे जैसे साल गुजरने लगे, कोको बड़ा होकर एक विशाल हाथी बन गया। उसकी ताकत के लिए लोग उसकी प्रशंसा करते थे, पर साथ ही राजा को उसकी दयालुता के लिए भी आदर करते थे। एक दिन राजमहल पर हमला होने ही वाला था और राजा रूफस अपनी सेना को लेकर लड़ाई के मैदान में चला गया।
लड़ाई शुरू हुई और दोनों दुश्मन एक दूसरे से टकराए, पर बीच लड़ाई में राजा रूफस को लगा कि वो हारने वाला है। अचानक दुश्मन का एक सिपाही मौका देखकर राजा पर हमला करने वाला था। कोको ने यह देखा, वो उस तरफ भागा। उसने राजा के दुश्मन पर हमला किया और बहादुरी से उसने राजा की जान बचा ली। राजा रूफस कोको की बहादुरी से बहुत खुश हुए। वो एक नए जोश के साथ खड़े हुए। कोको की बहादुरी ने उनके अंदर नया जोश और एक नई उम्मीद जगा दी थी। हम ये लड़ाई नहीं हारेंगे, यहाँ नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं। हमला! बेमिसाल वफादारी और बहादुरी के एक कदम ने लड़ाई के पूरे नक्शे को ही बदल दिया और राजा रूफस और उसकी सेना बहादुरी के साथ उस लड़ाई को जीत कर वापस लौटी। हम जीत गए। जिस तरह राजा रूफस ने कोको की जान बचाई थी, उसी तरह कोको ने भी राजा की जान बचाई। अब से कोको राजा रूफस के लिए बस एक हाथी नहीं था। कोको को और फल दो। नहीं, उसे अंजीर पसंद है, उसे अंजीर खिलाओ। वो राजा का पसंदीदा बन गया। बस यही देखने आया था कि मेरा मतलब कोको का क्या हाल है। महाराज, अच्छा होगा कि आप बीच में रुकावट की तरह ना आए। वाह कोको, ये हुई ना बात। कोको और राजा रूफस के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी, बिल्कुल एक परिवार की तरह। कोको राजा की शादी में शामिल भी हुआ था। और जब राजा के बच्चों का जन्म हुआ, देखो कोको, मेरे दो अनमोल रत्न को देखो, ये कितने प्यारे हैं ना। वो इतने करीब थे कि राजा और कोको हमेशा एक साथ पाए जाते थे। तो यहाँ है आप। मैं पूरे राजमहल में आपको ढूंढ रही थी। एक बात कहूँ, ऐसा लगता है कि आपको कोको के साथ ही शादी कर लेनी चाहिए थी। नहीं मेरी रानी, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन कोको मेरे लिए उतना ही खास है रानी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। कई सालों तक राजा कोको के साथ मिलकर काफी लड़ाइयां लड़ते रहे। एक दिन राजा और रानी अपने सलाहकारों से बात करने में व्यस्त थे और उन्होंने बच्चों को खेलने के लिए अकेले छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने पास खड़े हुए खतरे को नहीं देखा, पर कोको ने देख लिया। राजा और रानी हैरान रह गए कि किस तरह वो सांप डर के मारे रेंगते हुए भाग। उस सांप को पकड़ो। जी महाराज। कोको, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। इस दुनिया में तुम जैसा दोस्त और कोई भी नहीं है। जैसे जैसे साल बीतने लगे, कोको और बूढ़ा होने लगा और राजा ने इस बात पर ध्यान दिया। अब कोको अपने प्रशिक्षण में धीमा हो रहा था और बाकी कामों में भी। मुझे लगता है कि कोको अब आपके साथ और नहीं लड़ पाएगा महाराज। आपको नहीं लगता कि उसे अब आराम करना चाहिए? मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने मेरी खूब वफादारी से सेवा की है और उसकी देखभाल सबसे अच्छी तरह होनी चाहिए। और अब कोको को घर पर ही रखा गया था और उसे राजमहल के सारे ऐशो आराम मिलने लगे। वो अपने बचे हुए दिन एक राजा की तरह ही बिताने लगा और राजकुमार और राजकुमारी के साथ खेलता था या फिर अपने प्यारे राजा के साथ समय बिताता था। एक दिन कोको कुछ सिपाहियों के साथ सैर पर निकल पड़ा। उसे सुबह की सैर बहुत पसंद थी, पर उम्र की वजह से उसकी नजर धुंधली और याददाश्त कमजोर हो गई थी। वो जितना हो सके सावधानी से चलता था,
इसके बाद भी अपनी देखभाल करने वालों की लापरवाही की वजह से वो एक गड्ढे में गिर गया। वो बुरी तरह फंस चुका था और जितना ज्यादा वो छटपटाता उतना ही अंदर धंसता जाता। सिपाही डर गए। खबर राजा तक पहुंच गई और वो बहुत परेशान हुआ। वो हादसे की जगह पर पहुंच गया और उसने देखा कि किस तरह उसके सिपाही और आदमी उस हाथी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई आसान काम नहीं था और लगता था वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अब मैं क्या करूं, मेरा बेचारा कोको। मुख्य सिपाही ने भी ये देखा और उसने सोचा कि हालात कितने बुरे हो गए हैं। एक ढोल। अचानक उसे कुछ साल पहले की बात याद आ गई और उसने सोचा, क्या अभी भी ऐसा कुछ करना चाहिए? सिपाहियों, जाकर लड़ाई के नगाड़े लेकर आओ, जल्दी जाकर लाओ और उन्हें बचाओ। सब लोग इस सुझाव से काफी हैरान थे। राजा भी हैरान रह गया। ये नगाड़ों का क्या मसला है? मेरा विश्वास करिए महाराज, जो मेरे दिमाग में है वो जरूर काम करेगा। हालांकि राजा व्याकुल था, उसने आदेश दिया और बहुत जल्द ही एक नगाड़ा बजाने वाली टोली वहां पहुंची। और बजाओ। राजा हैरान होकर देख रहा था कि किस तरह कोको के हाव भाव बदल रहे थे। हर ताल के साथ उस हाथी के अंदर वो पुराना जोश आने लगा और लोग ये देखकर हैरान रह गए कि हाथी हिलने लगा और बहुत जल्द उसने खुद को बाहर निकाल लिया। अभी खींचो। सिपाहियों की मदद से कोको के दिल और आंखों में एक पक्का इरादा भरने लगा और बहुत जल्द वो हाथी खड़ा हो गया, पूरी तरह से शक्तिशाली और सफल जैसा वो कुछ सालों पहले था, बहुत बलशाली। कोको, मेरे प्यारे कोको, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। ये कहना चाहता है कि जिस तरह से हाथी कभी कुछ नहीं भूलते, उसी तरह आपको भी उसकी महानता नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए। माफ करना कोको, चलो चलो घर चलें। और इस तरह दोनों के घर लौटने पर हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। हम सबको ये याद रखना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हमें पूरे जोश के साथ उन्हें अपनाना चाहिए। जब हालात बुरे हों तो अपने दिलों को हिम्मत और लगन के साथ धड़कने दो। अगर हमारी जिंदगी में हमेशा एक मकसद रहेगा तो हम सच में जिंदगी को अच्छे से जी सकेंगे।